बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमारा टॉपिक क्या है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। क्या है टॉपिक? क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। और बेटा देखो ये है क्या चीज, ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक। क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ये वही चैप्टर है जो हम पिछली क्लास में कर रहे थे, आज तमीज से पूरी कैलकुलेशन देखेंगे इसकी। ये क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ये अपलोड भी होगा और एक दो स्टूडेंट्स आए नहीं, उनको भेजना भी है, आएंगे। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस क्या है? एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। अब देखो एक प्रोजेक्ट के अंदर हम डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, तो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस बेसिकली क्या है, ये क्या करता है, उन एक्टिविटीज में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिनके अंदर हम डिले लेके नहीं आ सकते, उनको आइडेंटिफाई करता है, फ्लोट को आइडेंटिफाई करता है, फ्री फ्लोट को, टोटल फ्लोट को, मिनिमम ड्यूरेशन को, इन सब चीजों को क्रिटिकल पाथ एनालिसिस आइडेंटिफाई करता है। इसके अंदर जो एक डायग्राम बनती है हमारे पास, ये सर्कल बनता है जिसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तीन हिस्से होते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यहाँ पर हम लिखते हैं ईएसटी, व्हिच इज एस्टिमेटेड स्टार्ट टाइम, व्हिच इज एस्टिमेटेड स्टार्ट टाइम। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें हम लिखते हैं एलएफटी, व्हिच इज लेटेस्ट फिनिश टाइम। ये जो जगह रिमेनिंग रह गई यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं, सबसे पहले वाले में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। सही है? अब एक बात मेरे जहन में रखना, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस या तो ड्रॉ करने के लिए आएगा या तो बना हुआ होगा और उसके अंदर से हमें चीजें क्या करनी पड़ेंगी, फाइंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, उस दिन हमने कुछ ना कुछ आइडिया ले लिया है कि ये बनता कैसे। सो टुडे आई एम टेकिंग यू डायरेक्टली टू द पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या हालात है। सर्च करते हैं इसको। ओके, तो ये पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है, देखते हैं क्या है ये। अब देखो ये डायग्राम बनी थी हमारे पास, ठीक है, ये पेपर है हमारे पास मई जून 5 वेरिएंट 3, यानी सॉरी पेपर 3 होता था, उसको वेरिएंट्स नहीं होते थे। तो ये डायग्राम हमारे पास दी हुई है एंड नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम, दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो हम ड्रॉ करेंगे इसको और देखेंगे किस तरीके से सब कुछ होगा। करते हैं जरा इसको ड्रॉ, बिल्कुल ये हुई सर्कल वाला सिनेरियो, ठीक है, देखते हैं इसको। तो इसको स्निप करते हैं हम, वेट अ मिनट। ओके, तो हमारे पास ये स्निपो के सामने आ गया है। अब हमें इसको पूरा क्या करना है, ड्रॉ करना है। बनाते हैं इसको, देखते हैं कैसे बन रहा है ये। सबसे पहले डायग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या बना देंगे, एक नोड बना देंगे। क्या बना देंगे? एक नोड बना देंगे। जरा नोड बनाते हैं वापस से। हमने एक नोड बना दिया और कुछ नहीं किया, सही है। अब सबसे पहले ऊपर देखो कि सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी है हमारे पास, ए। इससे पहले कोई एक्टिविटी तो ये सबसे पहले वाले नोड से बस यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अभी हम आगे सर्कल नहीं बनाएंगे। अगली है हमारे पास क्या, बी। बी किससे शुरू हो रहा है? तो अब पहले ए को हम करेंगे क्लोज एंड देन वी विल मेक व्हाट। सी किससे शुरू हो रहा है? ए तो ऑलरेडी यहाँ क्लोज हुआ था, तो यहां से हमने क्या निकाल दिया, सी। अब डी किससे शुरू हो रहा है? बी और सी साथ क्लोज हो रहे हैं, तो जरा बी एंड सी साथ क्लोज करते हैं एंड देन वी हैव व्हाट, डी। उसके बाद ई किससे शुरू हो रहा है? तो बी सी यहां बंद हुए थे, यहां से ई भी आ गया। एफ कैसे हो रहा है जब डी और ई बंद हो रहे हैं? तो डी और ई को हमने साथ बंद किया एंड देन वी हैव व्हाट, एफ। जी भी डी और ई से शुरू हो रहा है, जी आ गया। अब जो एच है वो कहते शुरू हो रहा है जी से, तो एच को बंद, जी को हमने बंद किया और यहां से एच आ गया। जिस तरह हमने स्टार्ट किया था एंडिंग में हमारे पास एफ और एच बच गए। क्या बच गए?
तो दोनों को हम आगे लेके आएंगे, एक साथ क्लोज करेंगे एंड दैट्स इट, काम खत्म, डायग्राम पूरी बन गई, बिल्कुल ऐसा बनेगा। नाउ अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, जरा हम कलर चेंज करते हैं, हम इसकी ड्यूरेशंस डालेंगे। एक ही ड्यूरेशन कितनी है, 15, कौन सा एंड में क्लोज करने के लिए बनाया ना, इस तरह स्टार्ट करने के लिए एक बनाया था, सबको बंद करने के लिए एक बना दिया। ए को 15 है, बी 30, सी 10, ये ड्यूरेशन ऊपर से आ रही है हमारे पास, डी हमारे पास 30 है, ई हमारे पास 15, एफ हमारे पास 12, जी 8 और एच 6। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि एक्टिविटी 0 से ही स्टार्ट हो रही है, इससे पहले कुछ हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारी एस्टिमेटेड स्टार्ट टाइम की वैल्यूज निकालेंगे। एस्टिमेटेड स्टार्ट टाइम की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करके, 0 + 15, तो ऊपर क्या आ गया 15, 15 + 3 45, मैं बाहर लिख रहा हूं क्योंकि दो इनपुट्स हैं, क्या है 15 + 10 इज व्हाट 25, सो द गेम इज व्हाट यूसुफ, दैट हम दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं। ईएसटी में कौन सी वैल्यू लेते हैं, एक बी से आया और एक सी से आया, एक बी से इनपुट आ रहा है और एक, दोनों में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 45, तो हम क्या लिखेंगे 45। देखो एक ऊपर से 45 का इनपुट आ रहा है और नीचे से 15 + 10 25 का इनपुट आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ सी वाला, सही है। दोनों में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 45, 45 + 30 75, 45 + 15 60, बड़ी वैल्यू कौन सी है 75। अब देखो 75 + 8 डायरेक्ट एक इनपुट आ रहा है, 75 + 8 इज F is going directly to the end. So 75 + 8 is what? 83. 83 + 6 is 89. And 75 + 12 is what? 87. 83. देख रहे ना किससे continuation मार रहा है, ये भी तो देखो ना। तो 87 और 89 में बड़ी value कौन सी है? ऊपर 89 आ जाएगा। ये थे estimated start times. क्या थे? ये बनाने के लिए यार बना पाएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको क्या होता है। क्या बेटा 87 आता है ना, एच वाले में सिर्फ जी का इनपुट आ रहा है, एफ का इनपुट थोड़ी आ रहा है, ये भी तो देखना है इनपुट किसका आ रहा है, सही। नाउ वी विल मूव बैकवर्ड्स, हम क्या जाएंगे, जो 89 ऊपर वाली वैल्यू थी वही हम नीचे कॉपी कर देंगे, वही हम नीचे कॉपी कर देंगे, कर देते हैं भाई, सही। 89 नजर नहीं आ रहा, कलर चेंज कर देता हूं उसको। अब 89 में से मैंने ड्यूरेशन माइनस करी 6, 83 आ गया यहां पर, सही। अब 83 में से मैं 8 माइनस करता हूं, क्या आएगा, 83 में से 8 माइनस कर तो क्या आया 75, क्या आया 75, मैंने बाहर लिख रहा हूं अभी क्योंकि दो इनपुट्स हैं। 89 में से मैंने 12 माइनस किया तो क्या आया 77। जब मैं बैक आ रहा होता हूं 89 में से बाहर हुआ ना बेटा, 89 से पीछे चलता हुआ आ रहा है ना, आखिरी वाली यहां से वैल्यू चलती हुई आ रही है ना पीछे 89। वो देखो ना लाइन कहां से चलती हुई आ रही, ये भी तो देखो, 83 में से 12 माइनस किया तो 75 आया, और 89 में से 83 में से हमने 12 माइनस किया तो 83 से हमने 12 माइनस किया, माय मिस्टेक, हमने 83 से हमने माइनस किया 8, और जो 89 में से हम माइनस कर रहे हैं कितना 12, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 77। जब हम LFTs निकाल रहे होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, लोएस्ट वैल्यू, क्या लिखते हैं 75 और 75 लिखते हैं, ऐसे नहीं कर सकते ना, ये तो इसमें इस तरह का सिनेरियो है, कुछ नोड्स ऐसे होते हैं जिसमें ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली वैल्यूज मैच नहीं कर रही हो, ये तो ऐसे नोड्स है ना, कुछ कुछ नोड्स में से तीन तीन एक्टिविटीज भी निकल रही होगी, कोई अलग से भी नोड्स आ रहे होते हैं, तो हमेशा जरूरी। अब देखो 75 में से मैंने माइनस किया 15, तो कितना हो जाता है 60 हो जाता है, और 75 में से माइनस किया मैंने 30, तो क्या हो रहा है 45, तो हम क्या लिखेंगे 45, 45 में से मैंने माइनस किया 10 आता है 35,
और 30 माइनस का तो क्या था 15, तो मैं क्या लिखूंगा 15, 15 में से 15 माइनस का तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 0, वापसी आते हुए 0 मेरा आंसर आया, तो मेरी कैलकुलेशन सही है। इसमें एक सवाल आता है, व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एक मार्क का वो आंसर होता है, या आखिरी वाला नोट 89, आखिरी नोट में वैल्यू क्या आ रही है 89 मिनिमम ड्यूरेशन। मिनिमम का मतलब है कम से कम इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मिनिमम ड्यूरेशन का मतलब क्या है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम लगेगा ही। हाँ, अब एक और सवाल पूछता है, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ वो एक्टिविटीज होती हैं जिनकी ईएसटीज और एलएफटीज क्या होती हैं, जिनमें फ्लोट अवेलेबल नहीं होता, जिनको हम डिले। अब देखो इसमें ऊपर नीचे वाली वैल्यूज तो सेम है, दोनों 15-15 है और इनपुट किसकी वजह से आया है, तो ए क्रिटिकल है, मैंने ए यहां लिख दिया। अब इसमें भी दोनों वैल्यूज सेम है, लेकिन मुझे एक बात बताओ इनपुट किसकी वजह से आया है, इनपुट आया है बी की वजह से, तो भाई बी क्रिटिकल है, सी क्रिटिकल, सी को मैं डिले कर सकता हूं। इन द सेम वे अगला देखो, इनपुट आया है डी की वजह से, उसके बाद अगला देखो कि इनपुट आया है हमारा एफ की वजह से, सॉरी जी की वजह से, और फिर आया है एच की वजह से। ये जो ऊपर एक्टिविटीज मैंने मेंशन करी है ये क्या है, क्रिटिकल है। कौन सी एक्टिविटीज नॉन क्रिटिकल है वो भी हम लोग अलग से मेंशन कर लेते हैं, करते हैं जरा। तो हमारी सी, सी ई, सी ई एफ, ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है, सही है। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि इनको डिले करा जा सकता है। अब इसमें प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट में हमें हेल्प होती है, हम देखते हैं कि यार ये वाली एक्टिविटी इस टाइम तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। हाँ हाँ, अगर ये नहीं हुई है तो इसके पीछे रीजन क्या है, फिर हम देखते हैं कि मेरी कौन सी एक्टिविटीज नॉन क्रिटिकल है, कहाँ से मैं रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर सकता हूँ, कहाँ से बंदे को मैं हटा के दूसरी जगह पर ले जा सकता हूँ। ये ऑपरेशन का काम है ना, हाँ, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देख रहा होता है इसको। अब इसमें दो तरह के फ्लोट आते हैं, क्या आते हैं, दो तरह के फ्लोट आते हैं, ठीक है, जरा मैं दिखाता हूँ आपको दो तरह के फ्लोट। एक आता है बेटा सॉरी टोटल फ्लोट, ये अपने पास फॉर्मूला लिख लेना, एक आता है टोटल फ्लोट और एक आता है फ्री फ्लोट, एक आता है फ्री फ्लोट, एक आता है टोटल फ्लोट और एक आता है फ्री फ्लोट। टोटल फ्लोट बताता है ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में, ओवरऑल, फ्री फ्लोट बताता है नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में, किसके बारे में, नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में। टोटल फ्लोट बताता है कि मैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कितना डिले करूंगा जिससे मेरा प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, जिससे मेरा प्रोजेक्ट। फ्री फ्लोट बोलता है कि मैं कितना डिले कर सकता हूं जिससे मेरी अगली एक्टिविटी डिले ना हो। फ्री फ्लोट किसके बारे में बताता है, अगली एक्टिविटी के बारे में। टोटल फ्लोट किसके बारे में बताता है, ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में। टोटल फ्लोट का फॉर्मूला क्या है, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन माइनस एस्टिमेटेड स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन माइनस एस्टिमेटेड स्टार्ट, ये टोटल फ्लोट का फॉर्मूला है। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या है, ईएसटी ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी, ईएसटी ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन माइनस ईएसटी ऑफ दिस एक्टिविटी, ईएसटी ऑफ दिस एक्टिविटी। फ्री फ्लोट क्या बताता है कि अगली एक्टिविटी के लिए मैं कितना डिले कर सकता हूं, फॉर्मूला क्या है, ईएसटी ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन माइनस ईएसटी ऑफ दिस एक्टिविटी। जरा देखते हैं, आपको इसी सवाल के अंदर भी करके दिखाते हैं कि मैं अपनी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कितना डिले कर सकता हूं जिससे मेरा प्रोजेक्ट डिले ना हो। कभी कभार फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट सेम भी आते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि फ्री फ्लोट तो जीरो होता है लेकिन टोटल फ्लोट में वैल्यू अवेलेबल होती है। जरा इधर देख लेते हैं, पर हमेशा देख लेना कि फ्री फ्लोट या टोटल फ्लोट हमेशा नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज का निकलेगा, क्रिटिकल में कभी भी फ्लोट वो जीरो होगा। अब जरा मैं ई का चेक कर लेता हूँ, क्या ई वाली एक्टिविटी का हम चेक करते हैं कि हमारा टोटल फ्लोट क्या है, ई वाली एक्टिविटी का क्या चेक करते हैं, तो फॉर्मूला क्या था, एलएफटी माइनस ड्यूरेशन माइनस एसटीएसटी, तो
तब ई वाली एक्टिविटी खत्म कहां पर हो रही है? ई वाली एक्टिविटी खत्म हो रही है इधर 75 पे, किधर? तो 75 इसका एलएफटी है। ई की ड्यूरेशन कितनी थी? 15। और ई स्टार्ट कब हुआ था? 45। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। 75 में से 15 माइनस का तो 60, 60 में से 45 माइनस का तो वापस चेक करें, 15 बचेगा यूसुफ, 60। हाँ तो क्या बचा? यानी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को मैं 15 डेज से डिले करूंगा तो मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। हाँ, इसका फ्री फ्लोट भी चेक कर लेते हैं। अब फ्री फ्लोट भी मुझे वही नजर आ रहा है कि इन दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि इस तरह का सवाल है, ये इस तरह का मैं अपनी मर्जी से निकाल, ये ऐसा सवाल है, जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो। अब जरा एक और सवाल देखते हैं जिसमें पूरा बना हुआ होगा और हमने उसमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखते हैं, इसको जरा बंद करें। फिफ्टीन डेज तक मैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को डिले कर सकता हूं जिससे मेरा प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। फ्री फ्लो ना, सेम आंसर था इसमें। अभी एक और सवाल करते हैं, देख लेते हैं। अब इधर देखो, यहां पर डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई, इसको पहले फिल करना है। क्या करना है? फिल करना है। तो मुझे किसको फिल करना है? नोड नंबर 5 को। किसको? जरा फिल करते हैं इसको। अब जरा ये देखो, 2 + 3 ऊपर क्या आ गया मेरे पास? 5। अब वापसी में दो इनपुट्स आ रहे हैं, 8 - 1 = 7 और 10 - 2 = 8। एनएफटी में हम क्या लेते हैं? छोटी वैल्यू। क्या आएगा? 7। तो मुझे पता चल गया 5 और 7 मेरा ये आंसर है। कौन सा सिंगल नंबर? 5। ये इस वाले नंबर 5 की बात कर रहे हो? ये नंबरिंग है नोड की, ये नंबर एलएफटी में हम छोटा डालते हैं, ईएसटी में हम बड़ा डालते हैं। हाँ, आगे मूव होते हुए बड़ा नंबर, वापसी आते हुए ये हमने निकाल लिया 5 और 7। इसको जरा क्लियर करते हैं, इसको बंद करते हैं। और क्या मांगा है इसने सवाल ने? क्रिटिकल पाथ की लेंथ पूछ रहा है। स्टेट द लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ। लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ मींस कि इस प्रोजेक्ट की मिनिमम ड्यूरेशन क्या है? 16 वीक्स। कितनी है? जो आखिरी वाले नोट का आंसर है, जो आखिरी वाले। अब आखिरी, इसके बाद अगला पार्ट क्या मांगा था इसने? हमने लेंथ पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, एक्टिविटीज नहीं पूछ रहा, स्टेट द लेंथ पूछा है या मिनिमम ड्यूरेशन पूछता। सही है, ये इंग्लिश सही तरीके से देखना। अगला क्या बोल रहा है? टोटल फ्लोट फॉर एक्टिविटी जे। टोटल फ्लोट निकाल लेते हैं एक्टिविटी जे का। तो जे का टोटल फ्लोट का फॉर्मूला क्या है? एलएफटी। जे का एलएफटी क्या है? 10, ड्यूरेशन और ईएसटी। तो 10 - 2 - 6, तो टोटल फ्लोट कितना निकल रहा है? 2 वीक्स। एक्टिविटी जे को मैं 2 वीक से डिले कर सकता हूं जिससे मेरा प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। जे का एलएफटी है 10, ड्यूरेशन 2 है और जे का ईएसटी क्या है? 6। कि शुरू कब हुआ था? ईएसटी का मतलब है शुरू कब हुआ, एलएफटी का मतलब है खत्म कब हुआ। सही है, खत्म कब। जी 10 - 2 = 8, 8 - 1 = 7। एलएफटी में हम क्या लिखते हैं? छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू क्या आ रही है? 7। अब पता चला 10 - 2 = 8 आ रहा था और ऊपर से देखो 8 - 1 = 7 आ रहा था। ठीक, हमने क्या लिखा? 7, क्योंकि ऊपर 2 + 3 = 5 आ रहा था ना, पीछे से इनपुट, ऊपर वाली वैल्यू पीछे से इनपुट आती है। अभी एक और सवाल है बना बनाया, उसको देखते हैं, जरा व्यू सही करते हैं इसका। इसको फिल करना है, क्या करना है? इसको फिल करना है।
बना हुआ है। अब देखते हैं, अब देखो सिंपल उसी तरीके से वो वाला सवाल है, लेकिन इसमें ज्यादा नोट्स खाली। सही है, 3 + 8 ऊपर क्या आ गया, 11। 3 + 8 ऊपर क्या आ गया, आगे देखते हैं, अभी पहले ऊपर वाली वैल्यूज फिल कर लेते हैं। 37 + 3 ऊपर क्या आ गया, 40। ऊपर वाली वैल्यूज सारी फिल, अब नीचे वाली वैल्यूज को देखते हैं। 37 - 4 33, 47 - 3 33 - 10 इज व्हाट, 23, और 44 - 14 इज व्हाट, 30। 23 लेंगे, शाबाश। तो ये हमारी वैल्यूज फिल हो गई। अगर सवाल बोलता है मिनिमम ड्यूरेशन बताओ या लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ बताओ, तो वो आखिरी वाला आंसर है कौन सा, 60। हाँ बेटा, LFT, LFT में छोटी वैल्यू लेते हैं, एस्टिमेटेड स्टार्ट टाइम में हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं। नाउ हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी, और देखने का तरीका क्या है कि EST और LFT क्या होता है उसमें, सेम पहले वाले में सेम है, तो इनपुट किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से आया है। मैं कलर चेंज करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ जरा ब्लू। तो प्लांट्स को रिमूव करना क्रिटिकल है, इसमें भी डिमोलिशिंग एक्जिस्टिंग ग्लास हाउस क्रिटिकल है। अब देखो इसमें दोनों सेम है, लेकिन इनपुट किसकी वजह से आया है, फाउंडेशंस की वजह से आया है। किसकी वजह से आया है, फाउंडेशंस की वजह से। अब ये ऊपर सेम नहीं है, नीचे सेम है, तो ये क्रिटिकल है ये। और किसकी वजह से सेम हो रहे हैं, इनपुट किसकी वजह से आया है, जब कभी कभार एक जगह में दो इनपुट्स आ रहे हैं या तीन इनपुट्स आ रहे हैं, तो हम देखेंगे किसकी वजह से EST आ रहा है, तो वो क्रिटिकल है। फिट पैनल्स 37 + 10, हमने गलती करी है, 40 नहीं आएगा बेटा, ये क्या आएगा, 47 आएगा। 37 + 3 40 होता है, और 37 + 10 47 होता है। EST के अंदर हम हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं, बिल्कुल। अब यहां पर क्रिटिकल क्या है, ये क्रिटिकल नहीं है, सही है, ये क्रिटिकल नहीं है, ये क्रिटिकल है। और फिर जो मैंने ब्लू से सर्कल्स करी एक्टिविटीज, ये क्या है, और बाकी एक्टिविटीज नॉन क्रिटिकल है, जिनको हम डिले। अब इसमें एक डमी एक्टिविटी भी आती है, क्या आती है, डमी एक्टिविटी भी आती है, वो कॉन्सेप्ट ये भी हम देखते हैं। इस सवाल की जरा पिक्चर ले लो, और इसको सिर्फ ड्रॉ करना था, आप ऐसा होमवर्क अटेम्प्ट करोगे। पिक्चर ले लो, जरा ड्रॉ करना है, और बाकी क्रिटिकल पाथ वगैरह जो आइडेंटिफाई करना है वो करो। ये भी इमेज ले लो, ये भी ड्रॉ कर, एक ही बंदा इमेज ले लो, शेयर कर दो, अभी नहीं, पहले भी ले लो, मुझे एक डमी एक्टिविटी का सवाल करना। हाँ, या तो बनाने के लिए आएगा या ड्रॉन होगा, उसमें वैल्यूज इनपुट करनी होगी। हो गया, तकरीबन 8 to 10। हाँ, नहीं तकरीबन उसी तरीके से आता है, फिर उसमें डेटा ज्यादा पूछ लेता है। अब देखो इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, क्वेश्चन डायग्राम गिवेन है, क्या है, डायग्राम गिवेन है, सवाल मांग जा रहा है मुझसे, कैलकुलेट द टोटल फ्लोट फॉर एक्टिविटी एफ, 4 मार्क का। क्या मांग रहा है, 4 मार्क का मुझे बोल रहा है कि भाई टोटल फ्लोट निकालो। निकाल लेते हैं भाई एक्टिविटी एफ का। टोटल फ्लोट का फॉर्मूला क्या है, LFT माइनस ड्यूरेशन माइनस EST। तो एक्टिविटी एफ का LFT क्या है, 16, ड्यूरेशन 2 है, और एक्टिविटी एफ स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 12 से। हाँ, फॉर्मूला क्या है, LFT ड्यूरेशन EST, टोटल फ्लोट का फॉर्मूला। 16 पे एक्टिविटी एफ खत्म हो रही है, या एरो आ रहा है ना पूरा, यहाँ पर एक्टिविटी एफ क्लोज हो रही है, ये ड्यूरेशन है, और यहाँ पर वो स्टार्ट हो रही है।
सोलह बेटा एक्टिविटी एफ कहां से स्टार्ट होगी, माइनस टू माइनस ट्वेल्व विच मीन्स टू, सही है, मेरा फ्लोट कितना है टू है, इट कैन बी वीक्स और डेज, मुझे यूनिट्स देखने पड़ेंगे। हाँ, टोटल फ्लोट ओवरऑल प्रोजेक्ट के हिसाब से, और फ्री फ्लोट बताते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। इसकी सवाल की भी इमेज ले लो जरा। तो ये सारे सवाल क्या होते हैं हमारे, क्लोज डाउन होते हैं। अब एक सवाल है डमी एक्टिविटी का, किसका, डमी एक्टिविटी का, जरा मुझे दो मिनट दो, मैं डमी एक्टिविटी वाला सवाल भी निकालता हूं। जरा इसको पॉज करते हैं, अब एक काम करते हैं, बस मेरे पास एक सवाल रह गया जो डमी एक्टिविटी का क्वेश्चन है, जो मुझे थोड़ा सर्च करना है कि वो कहाँ पर है, बाकी जितनी कैलकुलेशन है वो मैंने तुम्हें सीपीए की करा दी। अभी तुम लोग एक काम करो, ये तीनों इमेजेस है ना ये ड्रॉ करो, फिर तुम्हें मैं सीपीए का एक थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाता हूँ, ठीक है। इस रिकॉर्डिंग को करते हैं यहाँ पर स्टॉप।